हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है, जूनी सोयू को जब आवाज़ देता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी कोयू का कॉल आता है। कोयू उन्हें कहता है कि गार्ड चले गया है, वो अब बाहर आ सकते हैं। जब दोनों सोनटैक कोयू के पास आने लगते हैं तो कोयू के दिमाग में यही चल रहा होता है कि जूनी सोयून को देखकर स्माइल कर रहा था। और यहाँ जूनी को चलते हुए अचानक धुंधला दिखने लगता है, तो वो अपना चश्मा हटाता है तो उसे सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगती है। फिर से प्रेजेंट 2003 का बताते हैं। सोयून डॉक्टर के पास आती है और कहती है, क्या तुम मुझे कंपनी दे सकते हो? तो डॉक्टर देखता है सोयून का चेहरा बहुत ही उदास लग रहा होता है। फिर से 2006 का बताते हैं। कोयू जूनी से कहता है, क्या तुमने चश्मा क्रैक कर दिया? तो जूनी कहता है, नहीं, बस ऐसे ही निकाल दिया। कोयू कहता है, तुम दोनों घर जाओ, मैं सोयून को घर छोड़कर वहां पर आता हूँ। सोयून का हाथ पकड़कर वो दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। तो सोनटैक कहता है, दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन जूनी कुछ नहीं कहता, बस दोनों को जाते हुए देखने लगता है। चलते हुए सोयून पूछती है, तुम और जूनी कब से फ्रेंड्स हो? तो कोयू कहता है, एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट तक साथ रहेंगे। तो सोयून कहती है, तुम दोनों रिलेटेड हो? तो कोयू कहता है, नहीं। तो सोयून कहती है, तुम दोनों अलग होते हुए भी बहुत सिमिलर लगते हो, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन कोयू का सारा ध्यान जूनी के पास होता है। जब सोयून जूनी से ब्रिज पर गले लगी थी तो उसका चेहरा कैसा हो गया था? कैफे के बाहर वो सोयून को कैसे देख रहा था? जब गर्ल्स बुली कर रही थी तब का भी चेहरा जूनी का याद आने लग गया। इसी चक्कर में सोयून का घर आ जाता है। और यहाँ बताते हैं कि जूनी कंफ्यूज सा सोचने लगता है कि चश्मा निकाल कर मुझे क्लियर लग रहा है, कमाल है। तभी कोयू आता है और कहता है, क्या तुमने पी रखी है? जब से चश्मे के साथ लगे हो, लाओ मुझे दो। और चश्मा चेक करता है और कहता है कि चश्मा तो बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की आवाज से ग्रैंडमा भी उठ जाती है। कोयू जूनी से पूछता है, क्या तुम सोयून को पसंद करते हो? क्योंकि मुझे आज अलग लगा, क्योंकि इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमें एक ही गर्ल पसंद आई हो। तो जूनी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे सोयून में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे टाइप की नहीं है। वैसे तुम्हें आज घर नहीं जाना? तो कोयू कहता है कि मैं यहीं पे सोऊंगा। जब दोनों अपने प्लेस पे सोते हैं तो अपनी ही सोच में डूबे होते हैं और फिर उन्हें नींद लग जाती है। सुबह कोयू ग्रैंडमा के लिए कॉफी बना रहा होता है, तभी ग्रैंडमा आती है। तो देखते ही कहता है, मिस मू, आप तो सुबह भी कमाल की लगती है। ग्रैंडमा स्माइल करती है और कोयू की बनाई हुई कॉफी पीने लगती है। पीते ही वो नाश्ता बनाने के लिए एप्रॉन पहन रही होती है तो कोयू उन्हें मदद करता है। तभी उसकी नजर जाती है कि ग्रैंडमा की नेकलाइन नहीं है, तो वो पूछता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कहीं ऑर्डर देते हुए मेरी नेकलाइन गिर गई, मैंने ढूंढी लेकिन नहीं मिली। तो कोयू सोचता है कि ग्रैंडमा अपसेट होगी क्योंकि वो जूनी की मॉम की थी। यहाँ सोयून जब रेडी हो रही होती है तो उसके बैग से नेकलाइन नीचे गिरती है, वो उठाकर देखने लगती है। यहाँ जूनी काफी लेट अच्छी नींद लगाकर उठता है। कोयू ग्रैंडमा नाश्ता कर रहे होते हैं तो जूनी आते ही ग्रैंडमा से कहता है, गुड मॉर्निंग मिस मो, और बिल्कुल कोयू की तरह कहता है कि मिस मो, सुबह भी आप कमाल की लगती हो। कोयू के मुंह से तो खाना बाहर निकल जाता है। ग्रैंडमा शॉक जूनी को देख रही होती है, तब जूनी को एहसास होता है कि ये मैंने क्या कह डाला। स्कूल में फिर से कोयू जूनी को सता रहा होता है कि उसने ग्रैंडमा को कैसे मिस मो कहा। जूनी कहता है, मैं तो तुम्हारी एक्टिंग कर रहा था। तो कोयू कहता है, फिर से ऐसा ना करना, बहुत अजीब लगता है। तभी सोनटैक जूनी से कहता है कि तुम्हारा चश्मा कहाँ है? तो जूनी कहता है, तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? तभी क्लास की एक लड़की खड़े हो जाती है कि मैं कैफेटेरिया कॉर्न डॉग खाने जाऊंगी। ये सुनते सोनटैक भी कहता है कि मुझे भी जाना है। जूनी भी खड़े हो जाता है तो कोयू सोयून भी रेडी हो जाते हैं। कैफेटेरिया में सोयून आ रही है, ये देखकर सारे शोर मचाने लगते हैं। जूनी देखता है कि सोयून खुश लग रही है। फिर से प्रेजेंट 2023 का बताते हैं। सोयून डॉक्टर का घर देखकर तारीफ करती है। डॉक्टर सोयून के लिए कॉफ़ी बनाते हैं तो सोयून कॉफ़ी में ड्रिंक मिलाकर पीने लगती है। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? फिर से 2006 का बताते हैं। सब क्लासमेट कैफेटेरिया से आ रहे होते हैं तो कोयू की नज़र पिजन पर जाती है। जूनी भी पिजन को देख लेता है तो दोनों रुक जाते हैं। तो सोनटैक कहता है, इसमें क्या है, मैं इसे उड़ा देता हूँ। और जब वो उड़ाता है तो पिजन उड़कर उन्हीं के पास आता है तो दोनों भाग निकलते हैं।
तो कोयू भागते हुए कहता है कि जुनी तुम क्यों भाग रहे हो। फिर कोयू सोयून को बताते हैं। सोयून पूछते हैं तुम बर्ड से डरते हो, ये तुम्हारा सीक्रेट है। तो कोयू कहता है इसे सीक्रेट नहीं कह सकते क्योंकि जुनी और सोनटैक इसे जानते हैं। सोयून पूछती है जुनी भी बर्ड से डरता है, तो कोयू कहता है नहीं तो हो सकता है वो बर्ड बड़ा हो। जुनी इन दोनों को देख लेता है तो टर्न हो जाता है। जैसे ही टर्न होता है वो सीनियर को देखता है किसी स्टूडेंट को पैसों के लिए बुली कर रहा होता है, तो उसे देखते ही जुनी को मारने का दिल करता है। फिर कोयू सोयून से पूछता है तुम्हें किस चीज से डर लगता है, तो सोयून कहती है मुझे पीई पीरियड से डर लगता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ही खराब हूँ, क्या तुम मुझे कोई स्पोर्ट्स सिखा दोगे। तो कोयू कहता है क्यों नहीं। फिर सारी क्लासमेट मिलकर पीई पीरियड में इंजॉय करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। सोनटैक कोयू जुनी और सोयून का फोटो क्लिक करता है, फिर पूरी क्लास मिलकर फोटो निकालती है, सोयून का डर भी निकल जाता है। फिर जुनी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है तो कोयू की मॉम कहती है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, हमेशा चेकअप आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ एबनॉर्मल लग रहा है। तो जुनी कहता है कि मैं पहले लेफ्ट हैंड था लेकिन अब मैं राइट हैंडेड हो गया हूँ, अचानक मुझे बिना चश्मे के ठीक से दिखने लग गया है, पहले मुझे ब्रेकफास्ट पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है। तो ये सब सुन के कोयू की मॉम कहती है ये तो अच्छी बात है। यहाँ कोयू हर जगह ग्रैंडमा की नेकलाइन ढूंढ रहा होता है, जहाँ भी ग्रैंडमा जा सकती है। वहाँ हॉस्पिटल में जब जुनी जा रहा होता है तो कोयू के डैड उसे आवाज़ देते हैं और सारे डॉक्टर्स से ये कहकर मिलाते हैं कि ये मेरा बेटा है और पूरी स्कूल में टॉपर है। नेक्स्ट डे कोयू बास्केटबॉल मैच खेल के स्कूल लेट आता है। नेक्स्ट लेक्चर होता है म्यूजिक का, तो सारे लोग म्यूजिक रूम में चले जाते हैं। सोयून अकेले क्लासरूम में रह जाती है, तभी उसे किसी के बेंच पर म्यूजिक प्लेयर दिखता है, तो वो अपने नेल्स स्क्रैच करने लगती है। फिर आगे बढ़कर वो म्यूजिक प्लेयर उठाकर अपने बैग में जैसे ही रखती है कोयू उसे आवाज देता है। फिर से प्रेजेंट 2003 का बताते हैं। सोयून टीवी ऑन करती है और कहती है जो सीक्रेट बस तुम जानते थे, न्यूज में बता रहे होते हैं कि एक्ट्रेस सोयून चोरी के इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, एजेंसी ने कोई चार्ज नहीं किया, पर्स $800 का था। सोयून कहती है मेरा सीक्रेट पूरा दिन वर्ल्ड डिस्कस कर रही है और रोने लगती है। फिर से फ्लैशबैक 2006 का बताते हैं। कोयू कहता है बोलो मैंने गलत देखा, क्या मैं तुम्हारा बैग चेक कर सकता हूँ। और बैग चेक करते ही उसमें से म्यूजिक प्लेयर और दूसरे जिप से ग्रैंडमा की चेन भी निकलती है। कोयू कहता है क्या तुम, तो सोयून कहती है एक्चुअली मैं, लेकिन कोयू कहता है तुम चोर हो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।